हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू द व्लॉग। इट्स अ ब्रांड न्यू डे, ब्रांड न्यू व्लॉग। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी बड़ी टेंशन डाल सकती हैं। अब रात को बिना मतलब एक घंटा फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते मैंने एक फूड वीडियो डिस्कवर की और वो वीडियो थी पाकिस्तानी ऑमलेट के बारे में। अब पाकिस्तानी ऑमलेट होता है जैसे प्याज, टमाटर, अंडा, पुदीना, धनिया वगैरह सब कुछ डाल के, और बस यही ख्वाब देखते देखते मैं सो गया। और जब उठा तो मुझे पता चला कि टमाटर नहीं है। अब टमाटर नहीं है तो छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि टमाटर नहीं होंगे तो ख्वाब पूरा नहीं होगा और अंडे वाला ऑमलेट नहीं खा सकेंगे। और अब पता चला कि अंडे भी नहीं, तो हो गई ना छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट। ख्वाब पूछ के देखना था, अब ख्वाब भी पूछ के देखेंगे। ख्वाब तो बात की बात है, अभी जाके जल्दी से अंडे और टमाटर लेके आते हैं। ओए होए होए होए, ख्वाब पूरा होने की खुशी जो होती है ना, क्या बात कर रहे हो। आजो 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 आजो, वाओ, आप ना क्या आई हो? टॉम एंड जेरी। ए जी, लास्ट वाला सीन आई आई कैट। यू लाइक लास्ट वाला सीन? ए तुम्हें सब आता जा रहे हैं। इतनी सारी क्यों टोपी है? इतनी सारी क्यों टोपी है? ये तो आपकी है ना। अब भैया ने सवाल पूछा है, उसका जवाब देना तो बनता है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक ताजर होता है, शहर जा रहा होता है या शहर से गांव आ रहा होता है, और उसके पास होती हैं बहुत सारी टोपियां। जब वो जंगल पहुंचता है तो बंदर उसकी टोपियां खींच लेते हैं और उसको कितनी ट्रबल उठानी पड़ती है टोपियां वापस लेने में। बस उसी कहानी का सोल्यूशन मॉरल जो था मैंने अपने पल्ले बांध लिया बचपन से, और बस मैं हैट्स, कैप्स और ये सारी टोपियां कलेक्ट करना शुरू हो गया, और करते करते मेरे पास टोपियों की एक ह्यूज कलेक्शन जमा हो गई। अब ये वाली टोपियां जो आपने देखी है तो जस्ट उसका एक कह लो कि छोटा सा ट्रेलर या प्रीव्यू है। किसी दिन एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी टोपियां अपनी या सारी हैट्स जो भी कलेक्शन है वो दिखाऊंगा। और अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब वो वीडियो बन चुकी है टोपियों वाली, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। एनीवे, आप क्या करोगे, जाओ और कमेंट करो और बताओ कि आपको वो कहानी याद है कि नहीं, और अगर याद है तो आपको उस कहानी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या लगती है। मुझे पर्सनली तो वो वाली बात लगती है जब वो बोलता है कि याला या खुदा मेरी टोपियां कहां गई। आप लोगों ने देखा ही होगा कि आने वाले बेबी की जो शॉपिंग है वो जोरों शोरों से चल रही है, और उसमें सबसे पहली चीज हमने क्या ली थी, बेबी की कैप। मतलब सबसे पहली चीज उसकी कैप, ताकि वो ये ना बोल सके कि याला या खुदा मेरी टोपियां कहां गई। एक महीना हो गया लेटर आया, इन्होंने अभी तक नहीं खोला। यहाँ पे हर किसी की अपनी एक पार्किंग बे होती है और उसके अंदर ये पार्किंग परमिट जो डिस्प्ले करना होता है, अगर वो ना करो तो आपको टिकट लग जाता है, जो कि मुझे अपनी गाड़ी पे कई बार लग चुका है, क्योंकि ये गिर जाता था और फिर मैंने इसको परमानेंटली फिक्स कर दिया। लेकिन ये एक्सपायर हो चुका है, इसको 2-3 महीने गुजर चुके हैं, और तब से बेचारों ने तो परमिट भेजा हुआ था पर मैं उसको फिक्स ही नहीं कर पाया। बट हम काफ़ी लकी हैं कि एक महीने से ज़्यादा हो गया हमें टिकट नहीं लगा, एक ही बार सारे टिकट आ गए। बाय द वे, जो शर्ट पिक करने जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कल मेरी और मामा की एक इंपॉर्टेंट सेरेमनी। अब सेरेमनी किस बारे में है वो तो आपको अगले वाले में पता चल जाएगा। फिलहाल जल्दी से इसको फिक्स करते हुए निकलते हैं। आपके चिप्स लेने जा, फ्राइज और हम खाएंगे उसके बाद। बाय हर्षी। फिर ऐसे से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन मैंने पहली बार नोट किया है यहाँ पे ये जो ऊपर लगा हुआ है ये रडार है जो यहाँ पे आने वाली शिप्स को ट्रैक करता है या पता नहीं जो भी। बट एनीवे, कल जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए मुझे कुछ लेटर्स पिक करने थे और शेख ने वो ऑलरेडी प्रिंट कर लिए हुए थे मेरे लिए। और ए ओए 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 ओए, मैं तेरी टोपी पड़ी है यहाँ पे। टोपी पहले अपनी, मैं आज वो वही बता रहा था, वो बंदर वाली स्टोरी याद है, वो बंदर होता था और एक बंदा टोपियां लेके जा रहा होता था, बंदर पड़ जाते उसकी टोपियां ले लेते हैं। हैं, मैं वही बता रहा था कि मैंने वो वाली कहानी का मॉरल जो है बांध लिया था, तब से मैं टोपियां जमा कर रहा हूँ। फिलहाल तो एक पिक्चर लेते हैं ताकि इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकें और निकलते हैं। टेस्को आए थे और बिया को मेरे से ज्यादा लिस्ट याद है, अपनी एक लिस्ट तो याद है, कहती है क्रैकर खत्म हो गए थे तो लेने। टेक वन। कौन से वाले? ये वाले, उसे फेंकना मत। हाँ, यहाँ पे जज्बाती हो, यहाँ गोदी आ जाए। दो ट्रिक्स होती हैं बच्चों को कंट्रोल करने की, या तो वो जो लें उनको हाथ में पकड़ा दो या उनको गोदी उठा लो। अभी दूसरी वाली नहीं चल रही है क्योंकि गोदी चढ़ के भी अभी है। किसी बिल्कुल शोर नहीं करते, आपको डांडी पड़ जाएगी, आपकी पिटाई हो जाएगी। पिटाई करो, करो पिटाई। ठीक ठीक, बुरी हालत कर दी। अभी भी उसको और चीजें नजर आ रही थी, जबरदस्ती उसको उठा के बाहर लाए। बिया, हाँ? तुमने बहुत तंग किया है, हाँ? है? वेरी बैड। ठीक ठीक,
आगे से विक्ट्री वाला साइन दिखा दिया। मुझे लगा अबीरा ने कुछ हैप्पी मील छोड़ा हुआ है, लेकिन अंदर उसने जेली भरी हुई है। वैसे ये जो जेली बियर होते हैं, इसमें रेड वाली मेरी फेवरेट होती है और ग्रीन वाली, और वाइट भी अच्छी। नहीं, वाइट नहीं अच्छी लगी मुझे, रेड और ग्रीन अच्छी लगती है। बाद में कुछ फॉर्मल लेने गया था, लेकिन फॉर्मल नहीं लिया क्योंकि मुझे किसी की कॉल आ गई और उसने बोला कि कैजुअल भी चलता है, जब कैजुअल चलता है तो फिर क्यों ना कंफर्टेबल होकर जाया जाए। ये ना कैजुअल है ना फॉर्मल, मतलब हाँ, ये कूल है, मतलब अच्छा मज़ा आएगा। कल जब पहनेंगे तब मज़ा आएगा। एनीवे अभी क्या करते हैं कि आई नो आज ये वाला व्लॉग जो है शॉर्ट होने वाला है, तो क्या करते हैं कि आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। भैया ये तुम क्या कर रही हो? मेरी नेल पॉलिश की तबाही। तो क्या करते हैं कि आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो एज ऑलवेज, तब तक के लिए, जब तक के लिए, अगले व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। अब बीरा मिलते नहीं कर सकती क्योंकि वो नेल पॉलिश लगा रही है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है कल, है ना? चेक करें जरा इसकी सीरियस कितना हो रही है। तैयार हो? अब चले, चलो लेट हो रहे हैं। हम बाहर जा रहे हैं शादी के लिए। शादी? किसकी शादी? बिया की शादी। बिया की शादी? कितने साल की हो तुम? हाउ ओल्ड आर यू? I'm 2 years. तो शादी कहाँ से आ गई? मैं शादी जाने वाली हूँ अभी। शादी जाने वाली हूँ? हाँ। ठहर जा तू जरा। किससे शादी कर? किससे शादी कर रही हो? नंगू पांडा से। ये नंगू पांडा को मेरी नजर से दूर कर दो। ये क्या हिसाब लगाया हुआ इसने? पापा ये शॉप के दुरुलू। इसको क्या हुआ है? मिलते हैं।